प्रीवियस चैप्टर देखना चाहते हो तो मेरा प्ले लिस्ट चेक देख सकते हो। इस चैप्टर का हमें शुरुआत से दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पर जहाज़ बना रहे हैं और ये दोनों यहाँ पर बातचीत करने लगते हैं कि बोर्ड बनाने क्या क्या चाहिए और क्या ज़रूरत है, किस तरह शानदार दिख रहा है, ये सब ये दोनों ही यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। और उसे मतलब बोर्ड को चलाने के लिए क्या चीज़ कौन सा काम आता है, ये सब आता है यहाँ पर, ये बंदा बता रहा है। और भी यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर दुनिया घूम चुका हूँ, यहाँ पर बोर्ड में सारे दुनिया जा चुका हूँ। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, क्या तुमने यहाँ पर सारे जगह घूम चुके क्या? तो सिर्फ यहाँ पर लॉन्गसोंग सोहल जाके आने से तू भी यहाँ पर दुनिया घूम लिया? और यहाँ पर ये लोग बोर्ड के बारे में यहाँ पर बातचीत और भी बातचीत करने लगते हैं यहाँ पर। तभी और एक बंदा बता, बस हो गया तो कितना बातचीत करेगा बस, अब कैनन ट्रेनिंग के बारे में कुछ बता। और यहाँ पर ये अपना डिंगे हाँकने लगता है कि जो कैनन ट्रेनिंग है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है यहाँ पर। और जो यहाँ पर जो हंटर है, हंटर भी उसको यहाँ पर तारीफें कर रहा है ये यहाँ पर, और भी यहाँ पर बातें करने लगता है। और यहाँ पर ये कहता है कि हम लोग यहाँ पर काफ़ी दिनों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो हमारे जो हाइनेस जो भी कह रहे हैं उस तरह से हम बैटल फील्ड के लिए पूरी तरह से तैयार है। और हमारा जो गॉन का जो राइफल चला था वो भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है, हमारा हर दिन यहाँ पर ट्रेनिंग होता है। और यहाँ पर ये सोच रहे क्या हाइनेस एक और एक टीम बनाएंगे जो कैनर टीम उनके लिए यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी सोचने लगता है अगर कैनर तो काफ़ी ज़्यादा, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा ही है, तो यहाँ पर वॉल के ऊपर आकर लेके आएंगे कैसे यहाँ पर? और लेके आके भी यहाँ पर जो वाल है, वाल में आकर उसे यहाँ पर काउंटर और फायर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर वाल में रख कर यूज करना। शायद यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो ये कैनन यहाँ पर सिर्फ डिमोनिक बीस्ट को मारने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर दुश्मन को मारने के लिए शायद होगा यहाँ पर। और बॉर्डर टाउन का वेस्ट साइड हमें यहाँ पर दिखाया जाता है, हंटर यहाँ पर कह रहा है किस एंगल से फायर करना और यहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं फायर करने का। नाइट यहाँ पे कहता है कि ये लोग तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे रोनाल्डो कहता है कि तुम यहाँ पर किसी को भी काम मत समझो, हर एक का टीम सब से यहाँ पर अच्छे से काम कर रहे हैं, यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है, जो अच्छा करेगा उसे यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर सिल्वर कॉइन मिल रहेगा, इसलिए ऐसे और भी ज़्यादा यहाँ पर हमारा सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा इससे और हम और भी स्ट्रांग बन जाएंगे। और यहाँ पर रोनाल्डो कहता है कि हम जो कैनन मेंबर से वो जो टीम है वो यहाँ पर टेस्ट करेंगे यहाँ पर लिटिल टाउन में। यहाँ पर नाइट कहता है क्या लिटिल टाउन? रोना यहाँ पे कहता है हाँ, वो जो कॉन्क्रीट शिप वो उसका नाम है, मेरे उसका नाम यहाँ पे दिया है लिटिल टाउन। और शिप के अंदर यहाँ पर क्या क्या बना है यहाँ पर रोना यहाँ पे कहने लगता है, जो यहाँ पर काम चल रहा था जो वहाँ पर स्नो भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पर जो शिप बनाने के अंदर यहाँ पर वो सील बना है और कैनन वाला और स्टोरेज और क्या कुछ बना है यहाँ पर, वो सब कुछ यहाँ पर रोना बताने लगता है। और यहाँ पे नाइट कहते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर मांडी के पावर यूज़ करेंगे जो एबिलिटी है आप सीलिंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर, तो फिर इसलिए हमेशा यहाँ पर वांडी गार्डन में अपना वाइंड का पावर यूज़ करती है बार बार। और यहाँ पे रोनाल्ड उस नाइट को कहते तू बनेगा हमारा कैप्टन। नाइट यहाँ पे कहते पर मैंने तो आप कभी भी जहाज भी नहीं चलाया हूँ, हमारे पास यहाँ पे ऊंचे से और ये सब ध्यान में रखते हुए जितने भी क्रू मेंबर है वो तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं, वो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। जब हमारा ये लिटिल टाउन जब यहाँ पर निकल जाएगा तब यहाँ हमारा एक नया जर्नी स्टार्ट हो गया। तब हमारा यहाँ पर लाइटिंग कैप्टन जैक स्पैरो को तरह कहता है चलो पालकियाँ बांध लो यहाँ पर, चलो तैयार हो जाता है हम चलते हैं यहाँ पर समुद्र के लहर में। पर यहाँ पे नाइट कहता है पर कैप्टन तो मैं हूँ। और यहाँ पे नाना का पापा पूरी तरह से इंप्रेस हो चुके हैं उसका यहाँ पर ऐसा एटीट्यूड से। यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पर प्रोफेशनल हूँ, मैं यहाँ पर काफ़ी साल से यहाँ पर समुद्र में घूम चुके हूँ और मैं यहाँ पर एक नेविगेटर का काम करूँगा। और यहाँ पर वो कहने लगती है कि यहाँ पर हाइनेस जो जो नया नया चीज़ बनाएगी तुम यहाँ पर कैसे वो मिस करेंगे, मैं भी आई थी ये सब देखने के लिए। और यहाँ पर वो कैसे इस जहाज़ को बना है मैं क्यों नहीं देखती, और ऐसे कह के वो जहाज़ के चारों तरफ ऐसे घूमने लगती है। और यहाँ पे वो देख रही कहती है यहाँ पर किस तरह से बॉर्डर टाउन में यहाँ पर स्पेशल टाइस है, यहाँ पर उल्फ और यहाँ पर बियर और यहाँ पर जंगली कैसे यहाँ पर आते हैं, वो देख के यहाँ पे काफ़ी जैसे उसका आंखों में चमक आ जाती है। नाइट यहाँ पे कहता है मैं तो कोई प्रोफेशनल जो जहाज़ चलाते हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता, फिर मैं भी ये इतना जानता हूँ कि यहाँ पर जो यहाँ पर मौसम है पूरी तरह से साफ है और यहाँ पर ये जहाज़ चलाने के लिए ये काफ़ी है। और यहाँ पर हाइनेस ने भी कहा था कि यहाँ पर आज ही टेस्ट करें। और यहाँ पे लाइटिंग कहती है राइट 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 तरफ, यहाँ पर नाइट भी कहता हाँ डाइन तरफ डाइन। लाइटिंग यहाँ पे कहती क्या जो मैं यहाँ पर कह रही हूँ तू यहाँ पर फिर से मेरे मेरे बात यहाँ पर दोहरा रहे? यहाँ पर नाइट कहते नहीं मैं तो हूँ यहाँ पे कैप्टन, मैं ही यहाँ पे ऑर्डर दूंगा। और यहाँ पे ये जो जहाज चला था ये कहता है मैं कितने बार टाइम ने घुमाऊँ इस व्हील को, यहाँ पर ये कहता क्या तुझे यहाँ पता भी नहीं आखिर तू कर क्या रहा है यहाँ पर? लाइटिंग यहाँ पे कहते देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐसे कह के वो पूरा व्हील को एक जबरदस्त घुमा देती है यहाँ पर। वो कहते हैं रुको रुको जरा ध्यान से, पर क्या ये घुमा चुकी है।
और यहाँ पर ये जो जहाज़ का स्ट्रक्चर है जो भी यहाँ पर है वो देख के नाइटिंग सोच रही है कि ये यहाँ पर ही काफ़ी ध्यान से और बारीकी से बना है, पर मुझे यहाँ पर जहाज़ के बारे में इतना पता नहीं, पर यहाँ पर मुझे पता चला ये काफ़ी अच्छे से बना है। और यहाँ पर लाइटिंग जोर से चिल्ला के बोलते सिस्टर वांडी तैयार है जो अपना काम चालू कर दो। वांडी भी कहते हैं हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ। और अपने वो सोचने लगती है, यहाँ पर हाइनेस ने क्या कहा था, हाइनेस ने यहाँ पर कहा था तुम हमेशा ये ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग करो, और यहाँ पर आना जिस तरह से अपना पावर को कंट्रोल करती है तू भी एक बार तुम यहाँ पर उसकी तरह भी अपना पावर को पूरी तरह से अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाओगी। ये भी यहाँ पर सोचती है कि मैंने कभी भी अपना पावर को इतने बार यूज नहीं किया हूँ, जब मैं यहाँ पर इस बॉर्डर टाउन में आई तभी मैं अपना पावर को हमेशा प्रैक्टिस करती थी और अपना पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल करना सीख गई। यहाँ पे सोचती कि मैं हमेशा यहाँ पर जो कपड़े सुखाने में, यहाँ पर खाने को ठंडा करने में, और यहाँ पर ये सारे छोटे मोटे काम कर रही थी, और यहाँ पर जो आना है आना हमेशा हार्ड वर्क करती है और अच्छा काम करती है। और यहाँ पर ये भी कहती कि आपसे मैं भी यहाँ पर और भी ज़्यादा काम करूँगी, और यहाँ पर वो अपना पावर पूरी तरह से अनलिश कर देती है यहाँ पर, और जहाज यहाँ पर चलने भी लगता है। यहाँ पर कहते हैं यार यार ये सच में यहाँ पर मूव कर रहा है, यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, ये लोग तो यहाँ पर काफ़ी खुश हो जाते हैं। और नानक पापा यहाँ पर से कह रहा है कि हाइनेस ने सच में यहाँ पर कमाल कर दिया, यहाँ पर एक पत्थर को यहाँ पर ऐसा बना दिया कि यहाँ पर वो पानी में तैर रहा है, ऐसे कहते हैं हाइनेस का पावर। आखिर ऐसा क्या है जो यहाँ पर वो नहीं कर सकते, और हमें यहाँ पर वो जहाज को दिखा दे वो यहाँ पर काफ़ी बीचों बीच आ चुकी है अभी। और यहाँ पर नानक बाबा उसे तारीफ़ करते हैं, तूने बढ़ दिया अच्छा काम किया रे, आधे घंटे में तूने यहाँ पर जहाज चलाना भी सीख गया, तू रहे तो यहाँ पर कैप्टन जैक करोगी तो काट लेगा। और ये यहाँ पर कहता है ये सब सारी काम में यहाँ पर लाइटिंग जो है लाइटिंग लेडी यहाँ पर उनके वजह से यहाँ पर हुए, क्योंकि यहाँ पर वो जब भी प्रैक्टिस कर रहा था तभी यहाँ पर लाइटिंग आज के उसके आस पास ऐसे घूमती रहती, ऐसे करना वो करना है सब यहाँ पर बार बार लाइटिंग तो बार बार ऐसे ही कहती तो अपना वो बंद ही नहीं करती है। तब यहाँ पे वांडी को देखा तो वांडी यहाँ पर देखती है कि वो अपना पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही, और कहती आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मेरा पावर पूरी तरह से ख़त्म है, मेरे पास और मैजिक पावर नहीं है। और यहाँ पे लगता है कि मैंने आप भी ज़्यादा भी प्रैक्टिस नहीं किया, लगता है यहाँ पर ज़्यादा काम का नहीं आया आप ही, मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर जहाज को किसी तरह से किनारे के पास आसपास लेना ही पड़ेगा। पर क्या तब यहाँ पे वो देखती है कि यहाँ पर उसके सामने यहाँ पर लाइटिंग है, लाइटिंग यहाँ पे पूछ रही है सिस्टर वांडी आखिर क्या हुआ क्या गलत हुआ, और उसे आँखें धीरे धीरे करके बंद होने लगता है। लाइटिंग भी यहाँ पे कहते रुको 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 यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर किनारे के पास लेके चलो यहाँ पर, और लगता है यहाँ पर सिस्टर वांडी के साथ यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है। यहाँ पर सिस्टर या वांडी को लेते हुए यहाँ पर नीचे आ जाती है। यहाँ पर लाइटिंग यहाँ पे कहती है आखिर तेरे साथ यहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर उसका बॉडी पूरी तरह से यहाँ पर फ्रीज हो चुकी है यहाँ पर ठंडी से। यहाँ पर तूने आखिर यह सब क्यों नहीं कहा यहाँ पर, और लाइटिंग उससे पूछती है। और यहाँ पर जो नाना का पापा है यहाँ कहती है आखिर ये कितना बेवकूफ़ बच्ची है यहाँ पर, अगर उसे यहाँ पर लाइटिंग का अगर पता नहीं चलता तो आखिर तेरे साथ यहाँ पर क्या होता, तू यहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ती। तो पर यहाँ पर जहाज चट्टान के साथ टकरा जाता है। यहाँ पर नाइट कहते हैं कि हमें लगता है यहाँ पर डैमेज कर लिया जहाज को। यहाँ पर उसका नाना का पापा कहते हैं नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इतना बुरी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ये चैप्टर यहीं पे खत्म।